नमस्कार। भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। अगस्त वेस्टलैंड डील के मुद्दे पर आज भी संसद में हंगामा। कांग्रेस ने साधा केंद्र पर निशाना। रक्षा मंत्री पर्रिकर ने किया पलटवार, कहा कांग्रेस के 10 सवालों के दूंगा जवाब। भारत का देसी जीपीएस का सपना हुआ साकार। इसरो ने लॉन्च किया भारतीय जीपीएस सेवा का अंतिम सैटेलाइट। प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। देशद्रोह के आरोपी कन्हैया की जमानत रद्द करने की याचिका पर कोर्ट का कड़ा रुख। दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस, 19 जुलाई तक मांगा जवाब। भगत सिंह को आतंकवादी बताने का मामला संसद में उछला। मंत्रालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय की किताब से आतंकवादी शब्द हटाने के दिए निर्देश। और सूखे को लेकर शिवसेना का एक बार फिर केंद्र पर वार, कहा पहले भारत को सूखा मुक्त करे, कांग्रेस मुक्त अपने आप हो जाएगा। अगस्त वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील पर संसद में बजट सत्र के चौथे दिन हंगामे के साथ शुरुआत हुई। राज्यसभा में विपक्षी दलों ने हंगामा किया तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ हमला बोला। इस बीच रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि कांग्रेस की ओर से पूछे गए 10 सवालों के जवाब वो संसद में देंगे। कांग्रेस ने इस मामले पर राज्यसभा में नियम 267 के तहत चर्चा करने के लिए नोटिस दिया है। वहीं बीजेपी ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जरिए शॉर्ट टर्म डिस्कशन के लिए नोटिस दिया है। हेलीकॉप्टर सौदे में कथित घूस कांड पर बुधवार को रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पीएम नरेंद्र मोदी को ब्रीफ किया। ब्रीफिंग में गृह मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोवाल भी मौजूद थे। बीजेपी के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए कांग्रेस ने भी पलटवार की तैयारी कर ली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। अदालत ने इसके लिए दिल्ली पुलिस को 19 जुलाई तक का समय दिया है कि वो बताए कि क्या कन्हैया कुमार जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से ये भी जवाब मांगा है कि क्या उसे कन्हैया की जमानत रद्द करने की जरूरत है। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान पुलिस से ये जवाब मांगे हैं। याचिका ने कोर्ट में कहा कि कन्हैया जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है और इसलिए उसकी 6 महीने की अंतरिम जमानत याचिका रद्द कर दिए जाए। इस याचिका की अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही भारत का स्वतंत्रता संघर्ष किताब में भगत सिंह और उनके साथियों को क्रांतिकारी आतंकवादी बताए जाने पर हंगामा खड़ा हो गया है। भगत सिंह के साथ आतंकवादी शब्द जोड़ने पर उनके परिवार समेत तमाम राजनीतिक दलों ने इसकी आलोचना की है। इस मुद्दे पर लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक भी हुई। शहीद आजम के परिवार ने केंद्र मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी को चिट्ठी लिखकर किताब से आतंकवाद शब्द हटाने की मांग भी की है। किताब में शहीद भगत सिंह को क्रांतिकारी आतंकवादी बताने पर विवाद छिड़ के बाद HRD मिनिस्ट्री ने शहीद के नाम के आगे से आतंकवादी हटाने का फरमान जारी किया है। वही मामले को लेकर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने DU से किताब में संशोधन करने के लिए कहा है। श्री हरिकोटा से PSLV 7वें और आखिरी नेविगेशन सैटेलाइट ने उड़ान भरी। इसके साथ ही भारत का अपना देसी GPS का सपना पूरा हो गया। इस सैटेलाइट का नाम IRNSS-1G है। अभी 6 नेविगेशन सैटेलाइट्स 24 घंटे अपने सिग्नल उपलब्ध करा रहे हैं। ये सुविधा भारतीय इलाके में ठीक वैसी ही होगी जैसे अमेरिका GPS सुविधा देती है। सैटेलाइट के लॉन्च होते ही भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जिसने ऐसी क्षमता वाला सैटेलाइट लॉन्च किया। इस सुविधा का भारतीय सेना को एक लंबे समय से इंतजार था। हालांकि इसके कई और भी फायदे हैं जिसमें सैटेलाइट का डाटा स्मार्टफोन में सीधे इस्तेमाल कर सकेंगे। 20 मीटर से भी कम की सटीक जानकारी का दावा इसमें किया गया है। 1500 किलोमीटर के दायरे के मुताबिक डिजाइन वजन एक 1425 किलो जो कि एक दशक से ज्यादा काम करेगा। वही सैटेलाइट के सफल उड़ान भरने पर पीएम मोदी ने बधाई दी है। इस व्यवस्था के तहत मछली का कैच कहां ज्यादा है, मछली कैच करने के लिए कहां जाना चाहिए, शॉर्टेस्ट रूट कौन सा होगा, ये अब भारतीय सैटेलाइट के मार्गदर्शन में काम कर पाएगा। आसमान से उसको रास्ता दिखाया जाएगा, मंजिल का पक्का एड्रेस तय किया जाएगा। अब हमारे विमानों को अगर लैंड करना है तो बहुत सरलता से एक्यूरेसी के साथ अपनी भारतीय व्यवस्था से वो कर पाएंगे। कहीं कोई डिजास्टर हो गया,
बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा हो गई, उस स्थिति में कैसे मदद पहुंचानी, कहां पहुंचानी, स्पेसिफिक लोकेशन क्या होगा, ये सारी व्यवस्थाएं इस भारतीय उपग्रह के द्वारा जो नई व्यवस्था विकसित हुई है उसके कारण लाभ मिलने वाला है। इसकी क्षमता इतनी है कि कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप तक वो भारत के तो हर कोने को सेवा देगा ही देगा, लेकिन इसके अतिरिक्त 1500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में भी अगर कोई सेवाएं लेना चाहता है तो भी उसको ये सेवाएं उपलब्ध होगी। कहने का मतलब यह है कि हमारे पड़ोस के सार्क देश के जो जुड़े हुए हैं वे भी अगर भारत की इस सेवा का उपयोग करना चाहते हैं, क्योंकि आज वे भी दुनिया के किसी न किसी देश की सेवाएं लेकर के अपना गुजारा करते हैं, अब भारत भी अगर वो चाहते हैं तो ये सेवा उनको उपलब्ध करा सकता है। एक प्रकार से सदियों पहले हमारे नाविक समंदर में कूद जाते थे, सितारों के सहारे, चंद्र और सूर्य की गति के सहारे वो अपनी राह तय करते थे और मंजिल पर पहुंचने का प्रयास करते थे। सदियों से हमारे नाविक अनजान जगह पर पहुंचते थे और उनका सहारा हुआ करता था आसमानी सितारों, चंद्र और सूर्य की गति के सहारे वो अपने रास्ते तय करते थे। अब विज्ञान की मदद से हम इन सैटेलाइट और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस काम को करने जा रहे हैं। भारत के मछुआरे, भारत के नाविक समंदर में साहस के साथ चलने वाली हमारी सदियों पुरानी परंपरा, इसने एक अनभिज्ञ जगह पर, अनजान जगह पर जाने के रास्ते साहस के सिखाए हैं और इसलिए हजारों साल से मछुआरों ने जो साहस दिखाया है, नाविकों ने जो अदम्य साहस से दुनिया में पहुंचने का प्रयास किया है और इसलिए इस पूरी नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिलने वाली सेवाओं को आज हमने तय किया है कि सारी व्यवस्था, हमारी ये जीपीएस सिस्टम नाविक नाम से जानी जाएगी। इस व्यवस्था को मैं देश के करोड़ों करोड़ों मछुआरों की सदियों पुरानी परंपराओं को आदर्श मानते हुए, देश के गरीब गरीब मछुआरों को ये पूरी व्यवस्था समर्पित करने के इरादे से आज इसे नाविक नाम से अब विश्व पहचानेगा और नाविक नाम से अब ये सेवा उपलब्ध होगी। ये हमारा अपना नाविक होगा, हमारे मोबाइल फोन में हमारा नाविक होगा, जो नाविक हमें हम कहाँ है उसका पता दे सकता है, कहाँ जाना है उसका रास्ता दे सकता है और कहाँ पहुंचना है उसका भी हमें वो नाविक रास्ता दिखाएगा। और जब मैं नाविक की बात कर रहा हूं तो टेक्नोलॉजी की इस भाषा में अगर मुझे कहना है तो मैं कहूंगा कि नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जो कि नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन, इस नाम को मैं NAVIC नाविक इस रूप में आज आपके सामने समर्पित करता हूं। उत्तराखंड में कांग्रेस के 9 बागी विधायकों को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने के मामले में स्पीकर के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इसके बाद ही तय होगा कि सभी बागी सदस्य विधायक रहेंगे या नहीं। विधानसभा से बर्खास्त किए जाने के बाद सभी बागी विधायक हाईकोर्ट की शरण में है। आपको बता दें कि इन विधायकों का दल बदल कानून के तहत अयोग्य ठहराया गया है, जिसको लेकर अब हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले बुधवार को उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में हरीश रावत के बहुमत परीक्षण पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। इस मामले पर 3 मई को सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई करेगा। तब तक हाई कोर्ट के फैसले पर रोक बरकरार रहेगी और उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ के 3 गांवों में सुरक्षा बलों के फर्जी मुठभेड़ करने और आदिवासी महिलाओं से सामूहिक बलात्कार की वारदात की जानकारी मिली है। दिल्ली में प्रेस वार्ता के दौरान जनवरी में छत्तीसगढ़ का दौरा करने गए कुछ कार्यकर्ताओं ने एक स्वतंत्र जाँच पर आधारित रिपोर्ट जारी की। इसमें दावा किया गया कि बीजापुर जिले के पेद्दा जोजेर गांव में एक फर्जी मुठभेड़ में 3 किसान और एक नाबालिग लड़की को मार दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में ही सुरक्षा बलों ने बीजापुर के नेंद्रा गांव में 16 और सुकमा जिले के कुन्ना गांव में 2 महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया। रिपोर्ट में दिए गए बयानों में महिलाओं ने बलात्कार के अलावा लूटमार और धमकियों के बारे में भी बताया है। उन्होंने कहा कि तुम नक्सलियों को खाना दोगे तो हम तुम्हारे घर जला देंगे, शुक्र करो दिन का समय है, रात होती तो तुम्हें जान से मार देते। तमाम निजी तस्वीरों को लीक किए गए और कराए जाने के बीच ऋतिक रोशन की पत्नी सुजेन भी ऋतिक के समर्थन में उतर आई हैं। उन्होंने एक असली तस्वीर शेयर करते हुए कंगना रनावत की पोल खोल कर रख दी है। सुजेन ने कहा कि इस मामले में ऋतिक का समर्थन करती हूँ। सुजेन ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, तस्वीरें फोटोशॉप पर गलत तरीके से बनाई गई है, पूरी कहानी गलत बयान की जा रही है। जिस पार्टी की तस्वीरों को निजी पार्टी बताया जा रहा है उसे महज ऋतिक कंगना नहीं बल्कि सुजेन समेत कई सारे लोग शामिल थे। यहाँ तक कि उन्होंने उस पार्टी की दूसरी तस्वीरें शेयर करके ये भी जता दिया कि ऋतिक विरोधी जिन हथकंडों से उन्हें कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो कोरा झूठ है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने करण जौहर की फिल्म में काम करने से मना कर दिया है। बॉलीवुड में चर्चा है कि करण जौहर ने एक फिल्म के लिए कैटरीना से बात की थी लेकिन इसके लिए कैटरीना ने डेट्स की कमी होने के कारण मना कर दिया है। करण और तरुण मनसुख खानी साथ में एक फिल्म करने की योजना बना रहे हैं। दोस्ताना के बाद से ही ये चर्चा जोरों पर थी। दोस्ताना के सीक्वल की घोषणा भी उन्होंने की थी लेकिन बाद में ये बात टल गई थी। हाल ही में मनसुख खानी और करण एक स्क्रिप्ट के साथ तैयार थे। इसके लिए उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत और जैकलिन फर्नांडिस को साइन भी कर लिया है। मनसुख खानी और करण मुख्य भूमिका के लिए कैटरीना को लेना चाहते थे लेकिन कैटरीना ने फिल्म के लिए मना कर दिया। इसकी वजह दूसरी फिल्म साइन करना माना जा रहा है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।